हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंडिया मैम। आज हम लोग क्लास टू एनसीईआरटी का इंग्लिश कर लेंगे, चैप्टर बर्ड टॉक। लेट्स सी व्हाट इज देयर, उसको हम लोग देखते हैं। लिखा है, डू यू थिंक बर्ड्स फाइंड पीपल फनी? लेट्स लिसन टू व्हाट द रॉबिन एंड द जे हैव टू से। मतलब बोल रहा है कि आप लोग सोचते हैं कि बर्ड क्या सोचते, पीपल बहुत फनी और मजाकिया होते हैं। रॉबिन और जय एक दो बर्ड हैं, वो टॉक करते। देखते हैं न्यू वर्ड्स इसमें क्या है। न्यू वर्ड्स हैं बीटल्स मतलब कीड़े, सिटिंग मतलब बैठना, वायर्स मतलब इलेक्ट्रिक वायर जो खंभे में रहता है, फनी मतलब मजाकिया। देखते हैं बर्ड टॉक में क्या बोलते हैं। थिंक सैड द रॉबिन, थिंक सैड जय सिटिंग इन द गार्डन टॉकिंग वन डे। एक दिन रॉबिन सोचता है और बोलता है, और जय भी सोचता है बैठे गार्डन में। थिंक अबाउट द पीपल द वे दे ग्रो, सोचो कि लोग कैसे किस वे से बड़े होते हैं। दे डोंट हैव फैदर्स एट ऑल यू नो, उनके पंख नहीं होते हैं आप लोग जानते हैं। दे डोंट ईट बीटल्स, वो कीड़े नहीं खाते। दे डोंट ग्रो विंग्स, उनके पंख वो पंख नहीं बड़े करते। दे डोंट लाइक सिटिंग ऑन वायर एंड थिंग्स, वो वायर में बैठना पसंद नहीं करते हैं। थिंग सैड द रॉबिन, थिंग सैड द रॉबिन सोचता है और जय भी सोचता है। Aren't people funny to be that way? अरे लोग क्या मजाकिया वे से रहते हैं, मजाक लगता है कि उसके पैर कीड़े नहीं खाते, वायर्स में बैठते और विंग्स भी नहीं रहता, ये क्या मजाक है, यह सब बोलते हैं वो रॉबिन और जय। थैंक यू दोस्तों, आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो साथ में पास अगेन आऊँगी।